not been to many flea markets. You know, I think it is one of the very few flea markets I've been to, and it's amazing. Yeah, it's a great opportunity for upcoming entrepreneurs who have limited budget and who want to showcase their product to people like you and me. And flea market is always nice, and it's on a Sunday. It's a great opportunity to spend time with your friends, with your family, and your loved ones. So, what is your plan for this Christmas and New Year? No such plans. Actually, you guys have not let me enter, but then once I enter, I guess I would shop something or the other. I can see a lot of nice, quirky, girly stuff here. So yeah, I would love to buy something. Yeah. So what is the plan for this New Year? New Year, no such plans. Yeah, see, I'll tell you something. I'm a workaholic, and I love to work on my birthdays also. I love to work on Diwalis. I love to work, every day. And as such, nothing is there. But then, let's see. I mean, I might be spending time with my friends and my family. And I would like to congratulate Pooja Digram. I was for the event, a few days back, and she's really doing amazing. I would love to thank and congratulate Suved. He's doing superbly nice, and keep organizing such flea markets, and keep inviting people. Anything you would like to say about the Big Bull, and what is the process? So recently I've just done a Telugu film. It's called Smart Shankar, and Puri Jagannath has directed it. It has crossed 100 crores, and one of my Telugu film, which is called Shanam, it's going to get released in January. And I'm doing something for Ajay Devgan Films. It's with Abhishek sir, Abhishek Bachchan, and Ilyana ma'am is there in it. Let's see. I mean, I'm not allowed to talk too much about it. So yeah, let's see. Anything else besides that? I think I'll be soon signing a Tamil film. Once it's signed, I will let you guys know about it. Okay, thank you so much. ऐसा कुछ सुपर मार्केट लगता है सुविध करता है तो मैं तो हमेशा यहाँ पर अच्छा लेता हूँ जी। सर, आज जो है मम्मी जी का बर्थडे था, क्या क्या कुछ शॉपिंग करना कराया यार? मेरी यार मैं शॉपिंग मम्मी का बर्थडे था, और मैं पहली बार पूरा दिन मेरी माँ के साथ बिताया, क्योंकि बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री मुझे इतना काम देती है कि मुझे वक्त नहीं मिलता माँ बाप के साथ बिताने का। तो सुबह से लेकर आज रात तक अभी माँ को छोड़ा, और पूरा दिन मैं उसको शॉपिंग के लेकर गया, घुमाया, लंच बाहर कराया, अब डिनर बाहर कराया। अब मैं पूरा दिन माँ के साथ रहूँ, अब यहाँ पर रहूँगा और फिर घर जाऊँगा, फिर माँ के साथ रहूँगा। तो सर, कितना रुचि रखते हैं शॉपिंग में, और क्या प्लान है 31st और यार? बहुत रुचि रखता हूँ, और बहुत शॉपिंग करना एक बहुत अच्छी बात है, थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेक मी फील हैप्पी व्हेन यू शॉप। और 31st में मैं यहीं पर ही हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने फिल्म इंडस्ट्री में जितने मेरे दोस्त आ रहे हैं वो कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उनके साथ मैं पूरा न्यू ईयर जो है यहीं मनाने वाला हूँ। वो मेरा एक दोस्त है सैंडी, उसका एक ब्रांड है, उस ब्रांड के लिए मैं वेबसाइट लॉन्च करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही अच्छा काम वो लोग करते हैं, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्रिसमस और न्यू ईयर की बात की आपने, आई वो पार्टी पर्सन? नहीं यार, मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब ये दिसंबर का ऐसा वक्त होता है जब यू पूरा दिन साल आप काम करते हो, दिसंबर का एक 7-8 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यू शुड गो आउट एंड जस्ट पार्टी एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड दैट। जनवरी में फिर से वही लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जनवरी फरवरी मार्च फिर वही हाल होने वाला है। और सर, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? दिल पे चार एकदम, अभी लास्ट म्यूजिक पे काम चल रहा है, बीजे में काम चल रहा है, वेरी एक्साइटेड। रहमान सर अपना मैजिक कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि जब पूरा म्यूजिक खत्म हो जाएगा तो बीजे में खत्म हो जाएगा, फिर मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे और फिर रिजल्ट आप लोग बताएंगे। मुझे सर रिसेंटली मैं देख रहा था ट्विटर पे, रहमान सर ने कुछ एलिमेंट्स डाले थे सॉन्ग्स के, वो जो युद्ध का भी एक कनेक्ट उसमें आता है, ऑल दोस थिंग्स, आपने सुने सर कुछ गाने? हाँ ऑफकोर्स, मैंने सारे गाने, अरे ऑफकोर्स मेरे फिल्म के गाने मैंने सुने हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग उस गाने को सुने और मुझे बताएं। रहमान सर ने अपना जो मैजिक किया है, वो जो सॉन्ग उन्होंने ट्विटर में डाला था, उनकी इतने एक्साइटेड थे उन्होंने डाला, फिर मैंने बोला सर आपने डाल ही दिया तो अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर में आपको सुनने को मिल भी जाएंगे सब गाने। सर, नया साल आने वाला है, कुछ रेजोल्यूशन बनाया? और काम करना है, और अच्छे से काम करना है, अभी 200 फिल्में हो गई हैं, 300 करना है, यही खुशी है। हाँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ बॉब विश्वास कर रहा हूँ, सुजय घोष जो बना रहे हैं, देन आई एम डूइंग शशांक केतान नेक्स्ट, आई एम डूइंग अनुराग सिंह नेक्स्ट, आई एम डूइंग जयललिता, आई एम डूइंग एटीटी कला शेड्यूल, ब्रह्मास्त कला शेड्यूल, तो आई एम डूइंग सम डेली क्राइम टू सम्प्लीमेंट टू, कम से कम 50-60 तो कर ही रहा हूँ यार। डायरेक्टर्स हैट आप पहन रहे हैं, इज इट एन इजी जॉब सर, और
यस आई विल नाउ सी आई वांट टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री. मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनूँ या लिखूँ या डायरेक्ट करूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही रहना है. तो मैं डायरेक्ट भी करूँगा फ्यूचर में. ऑलरेडी सेकंड फिल्म की बात चल रही है तो वो भी शुरू हो गया है, और साथ साथ कास्टिंग करूँगा. कास्टिंग मेरे लिए बहुत पैशनेट जॉब है, जिससे मुझे ज़िंदगी जो है शहर में मुझे कास्टिंग ने ही सब कुछ बनाया है. तो मैं कास्टिंग हमेशा करूँगा और फिल्में भी बनाऊँगा. यार मैं दोस्तों के लिए एक्टिंग करता हूँ, मुझे एक्टिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है. लेकिन मैं जब मुझे लोग दोस्त बोलते हैं एक्टिंग कर ले तो मैं खुशी से कर देता हूँ, गेस्ट अपीयरेंस की तरह. जैसे आप मेरे को देखते रहते गेस्ट अपीयरेंस में, आप फिर भी देखते रहेंगे, अभी फिर भी कुछ कर रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू. जैसे कि आप आए हो फ्ली मार्केट में, फ्ली मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो. वेरियस स्टोर्स के लोग आते हैं अपने क्लोथ्स को दिखाने के लिए, और उनके हर एक के अलग अलग स्टाइलिंग होती है. सो आप ऐसे मार्केट पे आओगे तो आपको बहुत वेरिएशन मिलती है. सो आई यूजुअली इंजॉय, बिकॉज जो हम जाकर नहीं कर सकते ये हमारे पास आती है. सो आई थिंक फ्ली मार्केट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू रीच आउट टू द पीपल. एंड जैसे कि अभी क्रिसमस आ रही है, सो ये तो शॉपिंग पीरियड ही है सबके लिए. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया. मैंने तो काफ़ी शॉपिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट क्योंकि लड़कियों का मन कभी भरता नहीं है. सो आई थिंक ऐसे फ्री मार्केट्स होने चाहिए. आई थिंक सो इट शुड बी वेरी ओकेजनली होने चाहिए, ताकि हम ना जाए बट हमारे पास वो आ जाए, और हम जितने कपड़े ले सके उतने कपड़े ले, और अपने बॉडी को और अपने आप को फ्लॉन्ट करें, और आप सबको बताए कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वेयर, हाउ यू कैरी एंड हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ. सो आई थिंक फ्री मार्केट इज़ वेरी मस्ट टुवर्ड्स पीपल. ओके, सो एज क्रिसमस पे तो ऑब्वियसली 25th को आई यूजुअली डोंट, मतलब काम नहीं पकड़ती हूँ, बट 31st न्यू ईयर पे हम हमेशा काम करते. इट्स फन टू वर्क एंड एंजॉय पार्टीज एंड ऑल दैट. सो मैं तो जैसे कि इंडीज फिल्म वर्ल्ड में परफॉर्म कर रही हूँ, सो क्रिसमस आई बी हैविंग अ ग्रेट पार्टी विथ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, एंड ऑब्वियसली डिस्को तो जाना ही है. डांसिंग इज इन टू मी, सो दैट इज़ गोना हैपन. या ये सीज़न एक्चुअली जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स कुछ देखते, मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज काफ़ी फाइट्स हो रही है उसमें, बट रियली आई डोंट नो मच अबाउट इट आई वुड से. सो मैंने अपना ही फॉलो किया, वही बहुत बड़ी बात है. Okay, so my upcoming project had come this, my new song, which is a Punjabi album song, मैं बैठे बैठे बोर हो गई, जो कि काफ़ी अच्छा चला है. It's very complaining towards your husband कि आप कुछ करते नहीं हो. So it's a really bubbly song, so you should listen it and it's a great fun. And I have couple of item songs which are lined up to release in January, and the web series की बातें चल रही है. So I'll disclose it when it is actually on floor. Thank you very much. Hi friends, मैं हूँ उर्वशी, और मुझे जैसे ही पता चला कि इतनी अच्छी शॉपिंग की मार्केट लगी है फ्ली मार्केट, तो मैं यहाँ पे क्रिसमस का और न्यू ईयर, अभी आपको पता है कि बॉम्बे में न्यू ईयर की कितनी धमाल रहती है और क्रिसमस की भी कितनी धमाल रहती है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टफ़ लगे हैं, ज्वेलरीज है, पर्स है, सैंडल्स है, तो उसी की शॉपिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ. तो जैसे आपने कहा कि क्रिसमस भी चल रहा है, तो इस साल का क्या प्लान है आपका क्रिसमस और न्यू ईयर? मैं हमेशा क्रिसमस जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ मनाती हूँ, और नॉर्मली मैं बॉम्बे में ही मनाती हूँ क्रिसमस, क्योंकि जो इंडिया की फीलिंग है ना वो इंडिया में ही आती है. आप चाहे कितना भी आउट ऑफ इंडिया घूम लो, लेकिन सारे फेस्टिवल्स की फीलिंग जो होती है वो अपने साथ, अपनों के साथ ही आती है. नए साल में क्या कुछ होने वाला है? नए साल के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जब आएँगे तो पता चल जाएगा. हाँ, मैंने एक दो बहुत फ्ली मार्केट में ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर कोई शोरूम में जाते हो तो आपको उन्हीं की डिज़ाइन मिलती है जो उन्होंने किए, लेकिन फ्ली मार्केट में जब आते हो तो आपको अलग अलग डिज़ाइनर्स मिलते हैं, और अलग अलग स्टॉल लगे हुए हो तो उनके पास के सारे कलेक्शन आपको एक ही साथ मिल जाते हैं, तो आपको चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. थैंक यू सर.